वंदे मातरम दोस्तों, मैं योगेश विश्वकर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस में हमें लॉस ना हो उसके लिए हम क्या करें। दोस्तों, मैंने टाइम टाइम पर आपको मार्केटिंग और फाइनेंस और बिजनेस की आपको वीडियोस और जानकारियां प्रोवाइड की है और आगे भी करते रहूंगा, और आज भी आपके लिए ऐसे एक बहुत ही धमाकेदार टिप्स और वीडियोस लेकर आया हूं। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी ताकि आप बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं लगे आपको, ना हो कभी। इसके लिए आप ये मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। 26 तारीख को हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, और बहुत ही कमाल का और धमाकेदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मुझे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके अपनी ट्रेनिंग के लिए सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में होने वाला है और बस अब 3 दिन ही बचे हुए हैं, ठीक है। चौथे दिन संडे को 26 तारीख 26 सितंबर को हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इसमें मैं बहुत ही अच्छी जानकारियां देने वाला हूं, अच्छे यूनिक फॉर्मुलेशन देने वाला हूं और आपको बहुत सारी सर्विसेज भी आपको देने वाला हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आपको बिजनेस में लॉस ना हो उसके लिए हम क्या करें। दोस्तों देखिए, मैंने आपको टाइम टाइम पर बहुत सारे वीडियोस बताए, आपको टिप्स दी है और बहुत सारी जानकारी दी है, ऐसे ही मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं। दोस्तों, जब भी हम बिजनेस को ओपन करते हैं, जैसे मान लो सपोज मैं हूं, अगर मैं बिजनेस को ओपन करने जा रहा हूं, तो जनरली मैं क्या करूंगा, मैं और इवन हम सब क्या करते हैं, 99% लोग हम सब क्या करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं एक कॉमन मैन हूं, हम सब ऑलमोस्ट जो आप लोग मुझसे जुड़े हैं 99% वो लोग हैं जो एक कॉमन मैन है, एक मीडियम वर्ग के लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो भी अरेंज करके हम बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, एक चीज हमें ये करनी है, अगर सपोज हम एक कॉमन मैन है, एकदम बिल्कुल समझ जाइए मीडियम कैटेगरी के बंदे हैं, कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, अगर हम बिजनेस में लगा भी रहे हैं तो हमें मतलब कहीं से अरेंज करके लगा रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हम जैसे मान लो बिजनेस में हमको 2 लाख रुपए लगा के शुरू करना है, तो हमें पूरा 2 लाख रुपए पहले नहीं लगाना है, सिर्फ 50% लगाना है 1 लाख रुपए, भले बिजनेस हमारा थोड़ा छोटे लेवल पे स्टार्ट हो, ठीक है ना। दोस्तों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका मैं बहुत बड़ा आपको कारण बता दूं। अगर हम जैसे मान लो जो भी हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगानी है, अगर हम उसका आधा लगाते हैं ना, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट और फायदा इसलिए इसमें बाद में हमें मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब हम कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर न जाने कितने हजारों लाखों रुपए की हमारी उधारी होती है ना, मार्केट में फैल जाती है, ये आप जानते हैं। हमको लगता है कि नहीं यार, हम उधारी में नहीं देंगे, कैश में देंगे, बट वो ना चाहते हुए भी वो धीरे 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 2-4 महीने में जितना हमने इन्वेस्टमेंट लगाया है, ध्यान रखिए मेरी बातों को सुनिए, जितना हमने लगाया है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मार्केट में फैल जाता है, फिर हमारे पास नया मटेरियल परचेस करने के लिए पैसे नहीं होते। और दोस्तों, इस फील्ड की बात करूं, जिस फील्ड में हम हैं और इस फील्ड की मैं वीडियोस बनाता हूं, आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, इस फील्ड में दोस्तों 99% जो लोग हैं वो कैश में इवन एडवांस पेमेंट करके ही अपना मटेरियल ऑर्डर करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए पहले पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि अगर आपने जैसे 2 लाख रुपए लगाना, तो 2 लाख पूरा लगा देंगे तो पूरा वो मार्केट में चला जाएगा, उधारी में फंस जाएगा, फिर आपको अगले से माल लेने के लिए पैसा नहीं बचेगा, और फिर यहां से आप पैसा नहीं बचेगा, अगला माल आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, तो अगले वो दुकानदारों पे जो माल दिया है दुकानों पे, वो भी पैसा नहीं देंगे, वो भी रोक लेंगे, तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। दोस्तों, ये हुआ है और होता है ऐसा। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको जितना भी आपके पास, जो भी आपके पास अमाउंट है, जो भी पैसे है, उसका आधा लगाएं, ताकि जब हमारा जो आधा मतलब जो पैसा बिजनेस में पूरा का पूरा मार्केट में फैल जाए, उधारी हो भी जाए, तो भी हमारे पास उतना ही अमाउंट, उतने ही पैसे हमारे पास पर दोबारा बचे, ताकि हम नया रॉ मटेरियल, केमिकल और ये सब चीजें परचेस के करके अपना वो रोटेशन जो है ना चला सके। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुझे पता आप लोगों में सभी, इवन मैं भी, हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी भाई, अगर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कहीं से लगाना है या 1 लाख रुपए भी लगाना, तो हम लोग कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, फैमिली से लेते हैं, पापा से, मम्मी से, भाई से, कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, या हमारी सेविंग्स होती है, या हमने कमाया हुआ होता है, तो उन सबको जोड़ जाड़ के आप बिजनेस शुरू करते हैं। और ऐसा अधिकतर दोस्तों मैंने कई लोगों के मुंह सुना है, और इवन ये इस तरीके का केस मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है ना। दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आप एक मीडियम फैमिली से, बहुत ज्यादा आपके पास पैसा नहीं है मतलब बार बार बिजनेस में लगाने के लिए, तो ध्यान रखें जितना भी पैसा है उसको आप एक बार पूरा मत लगाएं, भले थोड़ी छोटा काम शुरू हो लेकिन आधा पैसा लगाएं, आधा पैसा आप रखे रहे, ताकि आपको दोबारा परचेस करके आप मार्केट को, मैं अपने प्रोडक्ट को रोटेट कर सके और अपने बिजनेस को चला सके, नहीं तो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा दोस्तों कुछ दिनों में, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए और यूनिक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए हमारे 26 सितंबर वाली आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए मुझे नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।